का हिंदुस्तान और कांग्रेस टाइम का हिंदुस्तान फर्क है कि नहीं? ये हिंदुस्तान ये क्या है? कांग्रेस टाइम का हिंदुस्तान, सनातन टाइम का हिंदुस्तान, सिख टाइम का हिंदुस्तान? अरे हिंदुस्तान की खूबसूरती आप क्या जानोगे? आप सो रहे हो, बांग मदरा पीकर सो रहे हो। आप हिंदुस्तान की खूबसूरती आप क्या जानोगे? आज जो सुनो ए अंकल, हेलो, आज जो जम मन कर रहा है रोटी बना के खा रहे हो ना, ये टाइम से मिलता था उनके हिसाब से कि इतने अभी खाना है कि कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है, उसी हाल में आप जाने वाले हो। आप टाइम का वेट करो। आज इस रोटी की जो कीमत नहीं समझ रहे हो, इस रोटी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाई खून से सींचा गया है, आप क्या जानोगे? आपको तो सिर्फ धर्म का चश्मा पहना दिया गया है और अनाज ले लो, राशन तल्ली लेके सो, बाकी ना रोजगार से मतलब है, आप ना शिक्षा से। मोदी जी आने वाले समय में भीख मांगेंगे। मुद्दों पे क्यों नहीं बात? इन्होंने कहे रोटी की बात मोदी जी करे हैं, तभी तो 5 राज्य 17 राज्यपाल में पहुंचे हैं और 2 से लेकर के 350 पर में पहुंचे हैं और 24 में 400 भी पहुंचेंगे। ये काम करे हैं, कार्य की बदौलत है, इच्छा शक्ति की बदौलत है, उनके विजन की जरूरत है, उनके योजना की। मानोगे वो विरोध में नहीं कर रहा हूँ, सही गलत का मैं जो है वो समीक्षा कर रहा हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, ना किसी का जो है हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, समझ रहे हैं आप? और ये जो सारी चीजें आज जो ढकोसला बन के ही दिखाया जा रहा है, चमक दमक फलाना ढमकाना, हकीकत कुछ नहीं है, खोखला है। जिस दिन कोई नहीं समझेगा, ऐसा डंडा उठेगा किसान का कि सीधा झोला उठेगा और कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, आप जान लो। यार खोखलेबाजी कुछ नहीं है, खोखलेबाजी। आज किसान का सबसे ज्यादा सम्मान मोदी दिया है, पर मैंने आज तक कांग्रेस कभी दी सबसे ज्यादा सम्मान, ऐसा सम्मान उन्होंने दिया है कि जो ब्रिटिश लोग गुलामों के साथ नहीं किया, उन्होंने मोदी जी ने किसानों के साथ किया है। इतने बड़े बड़े किले, 600-700 किसान मर गए बेचारे, वही आज राशन पैदा करके दे रहे हैं और उन्हीं को बांट के ढिंडोरा पीट रहे हो कि मैं जो फ्री में राशन, मैं फ्री में ये, मैं फ्री में वो। अरे ये ऐसे नहीं चलेगा, हकीकत दिखाओ, हकीकत जिंदा दिली जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये ढोल मजीरा पीट के कुछ नहीं हाथ लगेगा, झोला उठाए जिस दिन किसान लाठी लेके जमीन पे उतरेगा, उस दिन आप भी और आपके मालिक भी जो हैं, ऐसा डंडा किसान मारेगा कि आपको सीधा वहां नजर आएगा, आप जान लीजिए। आज किसानों ने यूपी में धरना दिया बॉर्डर पे, क्या मिला यूपी में चुनाव में किसानों ने? सारे किसान किसको वोट दिया? कहां आपकी बोलती बंद हो गई? कहां गई बोलती बंद आपको? आज किसान ने वोट नहीं दिया तो हार जाता योगी, क्यों दिया? अब फिर 80 सीटें हम जीतेंगे वहां पर में, भाजपा जीतेगी, क्या बात करते आप? आप ब्रिटिश, आप आज अगर कर्तव्य पठ रख दिया नाम तो ब्रिटिश कल्चर हो गया, हिंदुस्तान का कल्चर है ये, हटा दिया उसने ब्रिटिश को। हुमायूं रोड क्यों रहेगा? हुमायूं रोड हिंदुस्तान में, हुमायूं अकबर कहे रहेगा, वो सब हमारा देश का है, अब हमारे देश का नाम होगा। और आपको इस बात से जलन है तो आपको अपनी मानसिकता को बदलने पड़ेंगे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो संविधान है, उस पे चलना चाहिए। ये धर्म के आड़ में आप किसी को आप जो है मतलब आप क्या कि क्या क्या किसी के गले पे किसी के गले पे छुरी रख के आप कौन सा धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हैं? कौन सा धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हो किसी के गले पे छुरी रख के? ये हिंदुस्तान चारों लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप अकेले चल के कुछ नहीं कर पाओगे, चारों लोगों का खून शामिल है इसमें, एक लोग का खून नहीं शामिल है, आप समझ लीजिए। क्या कह धर्म के नाम पे भटकाया जा रहा है? आज सुनो आराम से, अगर नीतीश को हम नहीं, अगर बीजेपी नहीं अपनाते तो क्या होता? मध्यावधि चुनाव होती ना, क्योंकि बहुमत तो किसी का था नहीं, संविधान बहुमत, राष्ट्रपति शासन लागू होता, फिर चुनाव होता, खर्चा बढ़ता। ये इस चीज को बीजेपी ने बचाया है और लाया है उसको। और रही बात सुनो, नीतीश
जिस तरह नीतीश का है वैसे मोदी का है, वैसे योगी का है। आज देख रहा था निसलो, अरे नीतीश देख रहा था कि मेरे आँख के नीचे चोरी। बीजेपी ने खुद बोला था कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तो वापस क्यों बुला? मैं कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का नहीं। राजनीति में हमेशा एक दूसरे के दरवाजे खुले थे। आज कांग्रेस क्यों अपनाया, क्यों अपनाया कांग्रेस? नीतीश जो आज नीतीश सर्वो सर्वा बन गया कांग्रेस में, वही चला गया तो विपक्ष में रहा का गठबंधन खत्म हो गया ना। जो हवा में उड़ रहे हो चाचा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ना तो ये सारा लॉन्ग लपेटा वाला सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? ये अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आप समझिए कि हवा यहाँ कहीं कहीं गिनती नहीं होगी। बैलेट पेपर आ गई, ईवीएम से चुनाव होगा फिर आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। खुल जाओ, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, चांद पे जा रहा है, तुम जा रहे हो लिखने के लिए। कोर्ट बदलो, कचहरी बदलो, सब बदलो, क्या बात करते हैं? आप जाओ, आप क्यों ये पहने हो, पहन के आओ, कुर्ता पहन के आओ, क्या बात करते हो? जर्मनी देश क्या है? अमेरिका जर्मनी क्या कर रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ये मूर्खों का झुंड का देश है, इसीलिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार पे क्या कहना है, वो छोड़ के चले गए वापस से। गांव में उसका कोई भरोसा नहीं है, वो जिधर 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 मसाला मिलेगा उधर जाएगा। वो 5 साल में 3 बार शपथ ले चुके हैं, 2014 फिर क्या कह रहे, क्या पलटू राम में जिधर मसाला मिलेगा उधर चले जाएंगे। देखिए जो गठबंधन होती ना, एक कोई सिस्टम बनता है, उस विचारधारा से एक दूसरे का गठबंधन बनता है। जो नीतीश का विचारधारा है वो भाजपा से मेल जोल खाता है, इसलिए वो बार बार आते हैं, 9 बार पलटी मार रहे हैं, एक विचारधारा। केजरीवाल पलटी मारने की बात हुई, पलटी मारने की बात तो कांग्रेस में नहीं पलटी मारते। एक था हरियाणा का गया राम, उसका नाम था गया राम, वो कांग्रेस ने जब उसने 15 दिन के अंदर गया राम ने 3 बार बदली अपनी पार्टी को, 3 बार। तो जब लास्ट में कांग्रेस में आया तो कांग्रेस का वहां का चीफ मिनिस्टर था, कहा आया राम, मतलब आया जो गया राम था वो फिर आया राम। गया राम पे सवाल उठा रहे हैं। गया राम, मैं एक बात में सारी जवाब दे देता हूँ कि मरी हुई मछली जो है वो धारा के साथ बहती है और जीवित मछली ना धारा के विपरीत बहती है। बस इतने में आप इतने में अगर बीजेपी के पास है तभी आया, वो कांग्रेस में धारा नहीं है, वो धारा नष्ट नाबूद हो चुका है, इसलिए उस धारा को छोड़ के मोदी जी के साथ आया नीतीश। बीजेपी दिखाई दे रहा है ना, बीजेपी का जो है पुराने कैंडिडेट वो नहीं रह गए, अब बीजेपी का ठप्पा है, बाकी सब आरएसएस है। अटल जी ने क्या कहा था आपको पता है? संसद में क्या कहा था जब सोनिया गांधी ने कही जो आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं आपसे मैंने विड्रॉल करूंगा, तो उन्होंने क्या कहा, सोनिया जी आप मेरे घर में दखल ना दीजिए, एक समय आएगा, आज हम बहुमत में नहीं है, जिस दिन बहुमत आएगा धारा 370 भी हटेगा, राम मंदिर भी बनेगा और देश में राम राज भी आएगा।